वेलकम्स का जम्मू में जो 2 सितंबर को थर्ड राउंड काउंसलिंग होनी है यूजी के लिए, उसके रिगार्डिंग का जम्मू ने डिटेल में सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन से कोर्स में और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है, उसी हिसाब से फिर आप वहाँ पर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको 1000 काउंसलिंग फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। उसका जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो BBSC है इसमें कितनी सीटें अभी वैकेंट है। सबसे पहले BBSC जो है इसमें ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है, EWS की भी 1 सीट वैकेंट है, OBC की भी 1 सीट वैकेंट है, और जो नेक्स्ट जो डोमिसाइल यानी सेल्फ फाइनेंस की जो सीट है वो भी एक एक सीट, 4 कैटेगरी में सीट वैकेंट है वो भी एक एक, और बाकी जितनी भी जो जो कैटेगरी हैं जो यहाँ पर मेंशन ही है उनकी ऑलरेडी सीट सारी फिल हैं, मे भी वैकेंट हो जाएं जब नीट का जो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में अभी कितनी सीट वैकेंट है। एग्रीकल्चर में जो ओपन मेरिट की हैं वो भी 2 सीट्स वैकेंट हैं, और SC की 2 सीट्स वैकेंट हैं, ST की 1 सीट वैकेंट है, ST 2 की, OBC की 2 सीटें वैकेंट हैं, ALC की 3 सीट, RBA की 1। देन इसके बाद जो EWS है, EWS की कितनी सीटें, 6 सीट वैकेंट है, 6 की 6 सीटें अभी वैकेंट है। देन इसके बाद सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें एग्रीकल्चर में वो भी 6 सीट वैकेंट है, और NRI की 3 सीटें वैकेंट है। इसके बाद जो गवर्नमेंट नॉमिनी इन सर्विस जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके लिए 4 सीटें जो है अभी वैकेंट है। देन इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में अभी कितनी सीट वैकेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी कैटेगरी की सीट नहीं होती, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है, वो टोटल अभी 46 सीट्स वैकेंट है बायोटेक्नोलॉजी में। देन इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, जो BSc हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में ओपन मेरिट की 6 सीट वैकेंट है, SC की 3, ST 1 की भी 3, ST 2 की भी 3, OBC की 2 सीटें वैकेंट हैं, ALC की 1 सीट वैकेंट है। देन इसके बाद जो RBA है, RBA की 3 सीटें वैकेंट हैं, EWS की 3 वैकेंट है, और जो सेल्फ फाइनेंस की अभी 14 सीट वैकेंट है किसमें, हॉर्टिकल्चर में। देन WUE की 1 सीट, NRI की 6 सीट, और इन सर्विस गवर्नमेंट नॉमिनी की 4 सीट वैकेंट है। जिन स्टूडेंट को ऑलरेडी सीट फिल हो गई है, जिन स्टूडेंट को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, अगर वो कोई अपग्रेड कराना चाहता है, उससे ऊपर वाला कोर्स लेना चाहता है, अगर कोई सीट वैकेंट है तो वो भी इस काउंसलिंग में अटेंड कर सकता है। देन इसके बाद हम BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसमें ओपन मेरिट में 12 सीट वैकेंट है, और SC में 2 सीटें वैकेंट है, और ST 1 में 3 सीटें वैकेंट है, और इसके बाद हम बात करते हैं ST 2 की भी 3 सीटें वैकेंट हैं, OBC की 2 सीटें, ALC की 1, RBA की 2, EWS की भी 2, और सेल्फ फाइनेंस की भी 6 सीट। इसके बाद BTech डेली टेक्नोलॉजी की भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर दी गई है ओपन मेरिट की 10, ने यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं जो था इस नोटिफिकेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।